अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिग रोड स्टेशन पर। असल में मिशन फेल सीरीज़ का जो है वो आगाज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। मिशन फेल का मतलब ये है कि आप लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो भी सुन लें, कि 15,000 रुपये में मुझे पूरा ट्रिप करना है अपना, कराची से नॉर्दर्न एरियाज और फिर वापस कराची। 15,000 में से 5,150 रुपये की तो टिकट ही हो गई है ट्रेन की। देखें कि मज़ीद कितना ख़र्चा होता है। 6 दिन का मेरा प्लान है, 6 दिन में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 15,000 रुपये में अपना पूरा ट्रिप करूं। तो जो जो ख़र्चा होगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। अभी सिचुएशन ये है कि ट्रेन लेट है थोड़ी, तो जैसे ही ट्रेन आती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे साथ रहें। डिग रोड स्टेशन पहुँच गई है और मेरे ख्याल से तकरीबन जो है ये कितनी लेट है, आधा घंटा तकरीबन लेट है, 25 मिनट या आधा घंटा, मैं एग्जैक्टली देख के बता दूँगा। जबलपुर स्टेशन आ गया सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। इसने पहुंचना था 4:30 बजे, तो तकरीबन 4 घंटे लेट है ट्रेन। तो अभी आगे चलते हैं, देखें लाहौर पहुंचने में कितनी लेट होती है। नेवाल स्टेशन पहुंच गए और तकरीबन जो है वो लेट है ट्रेन, वही 4 घंटे लेट है। खर्चा मैंने अभी कुछ नहीं किया है, रात का खाना भी मैं घर से लेके आया था वो खा लिया था, सुबह का नाश्ता भी घर वाला ही चलाऊंगा, वो रखा हुआ भी खाया नहीं है मैंने। तो अभी कुछ चाय वगैरह लेता हूँ और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर। फाइनली हमारी ट्रेन लाहौर पहुँच चुकी है और तकरीबन 4:20 हो रहे हैं, 11:25 का टाइम था और 4:20 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 5 घंटे के आसपास लेट है। लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं मैं। आज मिशन फेल का हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन तो कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ, लेकिन जो भी खर्चा है वो इस तरफ या इस तरफ जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा आपका। कल हम ट्रेन में बैठे थे तो पीछे मेरे लाहौर स्टेशन देख सकते हैं आप, लाहौर में पहुँच गया हूँ। हालांकि मुझे लाहौर पहुंचना नहीं था, मुझे रावलपिंडी जाना था, लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मुझे मजबूरन लाहौर आना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे कुछ पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। लेकिन फिर भी कोशिश पूरी यह है कि 15,000 के अंदर ही सारा काम कर लिया जाए। अब मैं स्टेशन से बाहर आया हूँ और स्टेशन से बाहर आके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हाफिज़ होटल है, वहाँ कुछ खाना वाना खाता हूँ, उसका भी एक्सपेंस वगैरह बताता हूँ। अच्छा होटल है, मुनासिब होटल है और अच्छा होटल है ये। मैं लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, फिर मेरे साथ रहें जर्नी में, कंटिन्यू रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाहौर के स्टेशन की पार्किंग से निकलते ही सामने आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा हाफिज़ होटल का, एक थोड़ा सा गली के अंदर है मेन रोड से ही, तो यहाँ चल के खाना खाते हैं। अभी टेस्ट मुनासिब होता है, रेट भी मुनासिब होते हैं। ऑरेंज लाइन बस का ट्रैक है, बस का नहीं है, ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, इससे भी ऊपर है ये। मुझे तो यहाँ पर आके अजीब सी फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कराची से आया हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मुझे। कॉइन ले लिया ऑरेंज लाइन का, अब हम जा रहे हैं अनारकली। जी ये हम आ गए हैं मेट्रो के अंदर। मैं अभी आज़ादी चौक पहुंच चुका हूं मेट्रो बस में बैठकर। बस में रश बहुत ज़्यादा था तो वीडियो नहीं बना सका। मेरे बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है, ये मैं पैदल चल के जा सकता हूँ, यहाँ एक ही पार्क के अंदर है। और ये मेरे बिल्कुल साथ मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और इस ये एक ही पार्क के अंदर है। ये बादशाही मस्जिद है, इसके साथ ही जो है वो बादशाही किला है, अल्लामा इकबाल का मकबरा भी उधर है, सिखों का गुरुद्वारा भी वहीं पर है, और ये मीनार पाकिस्तान भी इधर ही है।
तो ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक होशियार के लिए बनाई है जो ये कह रहा था कि दोनों एक पार्क में नहीं है। ग्रेटर इकबाल पार्क से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे जाना है फैसल मूवर स्काईवेज के अड्डे पे। बेसिकली रिक्शे वाला तकरीबन 800-700 से कम में नहीं मान रहा है, लेकिन मुझे बजट ट्रैवलिंग करनी है तो मुझे ये करना पड़ेगा कि आज़ादी चौक से मेट्रो बस में मैं जाऊँगा अनारकली, जिसको पता नहीं कौन सा कॉलेज बता रहे थे, वहाँ उतरूँगा। वहाँ से फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन में जाऊँगा बैठ के। तो तकरीबन 60-70 रुपये मेरा काम हो जाएगा। तो 700-800 की जगह 60-70 रुपये में मैं फैसल मूवर के अड्डे तक पहुंच जाऊंगा, जिसके साथ ही स्काईवेज का अड्डा है। मैं पहुंच चुका हूं अभी बंद रोड। ये बंद रोड का स्टेशन है मेट्रो का। यहां से मुझे जाना है स्काईवेज के अड्डे, तो मेरे ख्याल से चिंगची जाएगी। जो ये लाहौर से मरी का टिकट ले लिया स्काईवेज का। ये स्काईवेज के अड्डे पे मैं खड़ा हुआ हूँ। बंद रोड कहलाता है, फैसल मूवर का भी यही है। ये हमारी बस है, ये मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। अच्छी बस है, कम्फर्टेबल, और 1900 रुपये इसका टिकट है। ये बस अंदर से देख लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सीट्स भी कंफर्टेबल लग रही हैं इसकी। अभी ये पता नहीं, हाँ लोअर टोपा बस ने छोड़ दिया है और ये टैक्सी हमने कराई है। एक किस्म का स्कैम हो गया, वो डिटेल्स मैं आपको मरी पहुंच के बताता हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जीपीओ मौजूद है, और जीपीओ मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वो वाहिद जगह है जिसकी सबसे ज़्यादा तस्वीरें जिसके साथ सेल्फियाँ ली जाती हैं और शेयर की जाती हैं। तो स्कैम कुछ यूँ हुआ कि ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं ज़रा पैक हो जाऊँ फिर वीडियो बनाता हूँ। आज बिल्कुल कप कप आ रहा है और कैमरा भी हिल रहा है, तो मैं वीडियो बनाता हूँ अभी जी। तो कुछ हुआ यूँ कि हम लाहौर से मरी की बस के लिए बैठे, और मैंने पहले रिसर्च की हुई थी कि वो मरी का जो बस अड्डा है माल रोड वाला, वहाँ ड्रॉप करेगी। लेकिन उन्होंने सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास हमें लोअर टोपा पर ड्रॉप कर दिया। अब वहाँ ना कोई बस ना कुछ, टैक्सी वाले अपनी मर्ज़ी के रेट मांग रहे थे। अब मैंने बस वाले से पूछा कि ये क्या मसला है, तो वो कह रहा है हमें पुलिस वाले आके जाने नहीं देते। जीपीओ के करीब होटल है, क्विटा अल हबीब होटल, यहाँ से चाय ली है। चाय बहुत मज़े की है, अच्छी चाय है, बिल्कुल कराची वाली। और ये यहाँ का मेन्यू है, बाकी चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ चाय ली है। अगर अगर आपको अच्छी कड़क चाय चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी, क्विटा अल हबीब होटल। अभी मैंने सोचा था जीपीओ से पैदल कश्मीर पॉइंट तक जाने का, लेकिन फिर मैप में देखा बहुत दूर है, मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। मैं वापस जीपीओ तक जा रहा हूँ, वहाँ पे गाड़ी अगर मिलती है, एक टूरिस्ट की गाड़ी चलती है जो ले जाती है, अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो कश्मीर पॉइंट जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे ही मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ और 3रा दिन लग चुका है मुझे ट्रैवलिंग में। आगे भी मुझे बहुत वॉक करनी है, वो बहुत खूबसूरत जगह है मरी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मरी मुझे पसंद आए, लेकिन बुरा नहीं है, लेकिन जो जगहें मैं देख चुका हूँ उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो जगह जगह की बात होती है, अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। मरी में फॉग अच्छी होती है, लोग कहते हैं मौसम अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। मौसम अच्छा होता है, कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने को मिल जाता है आपको कभी कभी। बस यही है, जो भी है यही है भाई आपके लिए।
वालेकुम सलाम, सलामत। तो ये आप देखें मरी, ये मैं ज़रा जीपीओ से थोड़ा ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, आपको मरी दिखा रहा हूँ, देखें मेरे साथ। लेकिन असल इन्जॉयमेंट तो आगे आएगी जब हम जाएंगे नथिया गली और वन ऑफ द माई फेवरेट डोंगा गली। डोंगा गली इज़ लव यार। मुझे मरी में आके ऐसा लगता है कि फुल एसी चला के मैं परफ्यूम चौक पे घूम रहा हूँ अपने। कराची में एक रोड जगह है, उसका नाम परफ्यूम चौक है। मतलब ऐसी वही फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। हालांकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप जिन्होंने देखा है वो भी यही बोलेंगे मेरा दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि फुल एसी। हाँ, एसी का फ़र्क होता है। वहाँ जब मैं वॉक करता हूँ, मैं अक्सर ट्रेनिंग के लिए उस परफ्यूम चौक के आसपास ही वॉक करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि फुल एसी चलाया हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मरी का, पता नहीं कौन सी जगह है, क्या लिखा हुआ है समझ ही नहीं आ रहा, शायद कमिश्नर मरी लिखा हुआ है। ये नीचे वॉशरूम है, यहाँ भी मैं होके भी आ गया हूँ, पब्लिक वॉशरूम है, साफ़ सुथरा, आप जा सकते हैं। मरी में आज स्नोफॉल के चांसेस हैं, इसलिए टूरिस्ट भी बहुत आए हुए स्नोफॉल की वजह से। टूरिस्ट अभी सुबह के मेरे ख्याल से 7:30-8 भी नहीं बजे, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आके अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। ये जीपीओ द ग्रेट मरी का, और ये आगे माल रोड है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी इस वक्त मौजूद हूँ बस अड्डे पर, ये मरी का बस अड्डा है। माल रोड से आप नीचे उतरते आएंगे, नीचे उतरते उतरते तो तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होगा ये बस अड्डा है। यहाँ पर ये सुजुकियाँ भी खड़ी हुई कहीं जाने के लिए। हमें यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी रावलपिंडी की भी, नथिया गली की भी, एबटाबाद की भी, जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो मुझे बेसिकली जाना है नथिया गली, तो मैं बैठूँगा एबटाबाद वाली गाड़ी में। कितने पैसे लेते हैं, कैसे सफ़र होता है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ रहें, हम जा रहे हैं मरी से नथिया गली इन लोकल ट्रांसपोर्ट। ये देखें इस टाइप की ये बर्फ़ गिर रही है, अब थोड़ी तेज़ ज़्यादा हो गई है तो शायद नज़र आ रही हो। नीचे भी अब जमा होना शुरू हो गई है हल्की हल्की सी। बहुत कमाल का मौसम हो गया, गार्डन गार्डन हो रही है, मज़ा आ रहा है स्नोफॉल।